नमस्कार देवी और सजनों, आप देख रहे हैं स्विफ्ट 2024 मॉडल। वहाँ पे खड़ा है ब्लू कलर, यहाँ पे खड़ा है वाइट कलर। दोनों के दोनों कलर जो हैं आपके सामने हैं और देखते हैं कि आपको कौन सा पसंद आता है। पहली बात तो ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे आज फिर आफ्टर मार्केट जो है मॉडिफिकेशन किया हो। काफ़ी कूल लग रहा था और अब जो है बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है, क्यूट लगती है बोथ एट द सेम टाइम। और ये जो वेरिएंट है ये है वाइट कलर में और यहाँ पे आप इसे अनलॉक करके देख सकते हैं। चकरी चारों जो हैं आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, डोर अनलॉक मिल जाएगा और यहाँ पे जो है शीशे वगैरह काफ़ी टुचकू मुचकू सा जो हैं दिए गए। ऑटो स्टार्ट ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, ये इसकी की आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बल्ले इसे निकाल ही देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो है सेमी कंट्रोल्स आ जाएंगे। स्क्रीन जो है कुछ इस तरह की आपको जो है मिलेगी और यहाँ पे कंट्रोल्स जो है आप दे सकते हैं, जैसे कि ब्रेज़ा में आते थे अब वैसे ही सेम। और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे चार्जिंग पोर्ट और ये सिगरेट वगैरह का पोर्ट। यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल, यहाँ 5-स्पीड ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारे जो है स्पेसिफिकेशन लिखे हुए, इंजन टाइप Z1 2E और जो है यहाँ पे आपका जो है 1200 cc के तकरीबन जो है इंजन है और 3 सिलेंडर जो है इस पर कर दिया गया है। यहाँ पे जो है मैक्स पावर वगैरह लिखी हुई है, मैक्स टॉर्क लिखी हुई है, ट्रांसमिशन लिखी हुई है और साथ के साथ यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी भी लिखी हुई है। कहा गया है कि 25.75 यानी लगभग 26 की आपको जो है एवरेज मिलेगी। तो मारुति वाले जो है एवरेज तो लिखते हैं। फ्यूल टैंक जो है 37 लीटर का और यहाँ पे जो है व्हील बेस भी लिखी हुई है। मैनुअल में फ्यूल एफिशिएंसी जो है कम लिखी गई है और वैसे ज़्यादा। ओवरऑल लेंथ विड्थ वगैरह जो है आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं लगभग जो है स्लेडी से थोड़ी सी बड़ी है। और ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। हालांकि आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मिलेंगी कलर चेंज होने के वजह से। ओ भाई, ठीक है ये हो गया बंद। यहाँ पे जो है हेडलाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फ्यूल टैंक या डिक्की ओपन करने के लिए, मतलब बोनट ओपन करने के लिए आ जाएगा। और ये है ऑटोमेटिक, वो वाली मैनुअल थी, ये ऑटोमेटिक है 5-स्पीड ऑटोमेटिक। पीछे जो है यहीं पे आपको जो है कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरेस्ट जो है यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है, तो भाई साहब यही रहता है, पार्सल ट्रे है। और पीछे की तरफ आपको जो है और कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह आप लगवा सकते हैं यहाँ पे। चलिए बैठ के देखते हैं। देखिए मेरे जैसी हाइट की 8 है हाइट और देख सकते हैं कि हेडरूम काफ़ी अच्छा है, 6 फुट का बंदा जो है बैठ सकता है। 3 बंदे यहाँ पे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पर इंडियंस हैं बैठ ही जाएंगे। के अलावा यहाँ पे पीछे जो है चार्जिंग पोर्ट हो सकता था पर नहीं है। चलिए फ्रंट 2 जो है हेडरेस्ट आपके जो है, ये अच्छी चीज़ है कि हेडरेस्ट जो है आपके हैं। 3 पॉइंट जो है आपको सेफ्टी स्टीयरिंग भी मिल जाता है और पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह की जो है आपकी स्क्रीन आती है। और यहाँ पे ऑटो एसी वगैरह के भी ऑप्शन हैं, एसी मैक्स। और यहाँ पे पंखे की स्पीड कम ज़्यादा आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम इसे कम कर देते हैं एसी के जो है यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त ये चीज़ ये काफ़ी कूल बनाई हुई है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी, भाई इतनी, भाई मारुति वालों इतनी कम फ्यूल एफिशिएंसी ये कैसे कर सकते हो तुम? ये तुम्हें गवारा नहीं देती, चाहे सेफ्टी ना दो फ्यूल एफिशिएंसी तो देनी पड़ेगी तुम्हें। और यहाँ पे जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, पेयर डिवाइस कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो है आपको वो मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी जो नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, कोई भी लेदरेट नहीं है। और पर हाँ सॉफ्ट टच जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माइक दिए गए और 2 माइक हैं, आई थिंक ये 2 माइक दिए गए, पता नहीं किस वजह से ये यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। और यहाँ से जो है आपकी इसे जो है लुक थोड़ी ऐसी आएगी यार, बहुत ही ऐसे लगता है कि आफ्टर मार्केट जो है ये इंस्टॉल करवाया गया है, सो कूल दिखाने के लिए, बिल्कुल जैपनीज कार जैसे, हैवी जैपनीज ही। और 4 जो हैं बैक सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, सलेरियो वगैरह में, ऑल्टो वगैरह में 2-2 मिलते हैं आपको, तो ये चीज़ का रहता है। और यहीं पे जो है आप इसे ओपन कर सकते हैं, अच्छा कोई टूटा नहीं करता, ये हैवी महसूस होता है। बूट स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है,
सेगमेंट बेस्ट तो नहीं कह सकता, पर फिर भी काफ़ी वाइड है, और वाइड होने की वजह से देखिए काफ़ी वाइड है और नीचे को है थोड़ा, इस वजह से जो है आपको सामान रखने या उतारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोर देख लेते हैं कितना ओपन होता है। ये आपका डोर है और 90 तो नहीं, आई थिंक 80 तक तो जो है ओपन हो जाता है, तो बुरा नहीं है। और वो देखिए ऑटोमेटिक है, इस वजह से आपका क्लच तो नहीं आएगा जैसे कि आपको पता ही है। चलिए इंजन दिखाता हूँ मैं आपको। MRF के टायर्स हैं और यहाँ पे जो है इको टायर टायर मिलेंगे आपको 165 80 R14 के जो हैं आपको टायर्स मिल जाएंगे 85T के। चलिए बोनट हमने ओपन कर लिया, आपको दिखाता हूँ। ओह सॉफ्ट टच है यहाँ पे, मारुति वाले ये भी चीज़ें देने लग गए। ओ भाई साहब ये चीज़ काफ़ी कूल बना दी है उन्होंने, सॉफ्ट सॉफ्ट टच। और ये है 3 सिलेंडर, तो छुपा सा दिया है 3 सिलेंडर, बट मारुति का है तो ज़्यादा रिफाइंड होगा, टाटा से ऐसा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस खाली छोड़ी गई है, पर नीचे जो है सेफ्टी के मामले में ये नहीं है कि खाली है, नीचे भरा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्विफ्ट 2024, ये वाइट और ये है आपका ब्लू कलर, आगे पीछे दोनों से आप देखिए काफ़ी कूल लगती है ना। वाइट थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मच्योर लगती है, ये थोड़ी फंकी सी, आपने इसका ब्लैक कलर नहीं देखा वो और ज़्यादा कूल लगता है। और बेस मेरे ख्याल से बाहर खड़ा है, बेस भी दिखाता हूँ आपको अगली वीडियो में। टॉप वेरिएंट में भी जो है हेडड्रेस जो है वो फिक्स ही है, तो ये चीज़ का जो है मलाल रहता है कि यार इतना पैसा ले रहे हो। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग आ जाती है, ये चीज़ अच्छी है कि सिल्वर कोटिंग यहाँ पे आ जाती है, पर कम से कम होना चाहिए। और टॉप वेरिएंट में भी पीछे जो है आपको कोई भी नहीं है, क्या कहते हैं उसे, आर्मरेस्ट। बंदे ने पैग बुग लगाने हो तो कैसे लगाएंगे हाथ में पकड़ के। हित में जारी पैग लगाते हुए कभी भी गाड़ी मत चलाइए, पैग गिर भी सकता है, तो सेफ्टी के लिए 1 और 2 ये बस दिए गए हैं, कोई भी वो चीज़ नहीं है, क्या कहते हैं उसे, 4 बैक सेफ्टी सेंसर नहीं है, सिर्फ 2 है। डिफॉगर दिया गया, ये चीज़ अच्छी है, आपको जो है वाइपर मिल रहा है, वॉशर मिल रहा है, ये चीज़ अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है ठीक ठाक आपको मिलती है।